clearing in the sky and we are going to continue from the second page. Within the distance, do you find it? Yes, sir. Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled round the slope. Within the distance, थोड़े ही फासले पे, of a few yards, चंद गज के फासले पे, yards, गज, several path, कई एक रास्ते जो थे, left the main path, वो main रास्ते से अलहदा हो रहे थे, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो उसने starting point बनाया हुआ था, जहां से वो पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता था, तो main रास्ता वो था, ठीक है? और वहां से वो तो एक ही रास्ता था, लेकिन फिर आगे से बल खाते हुए कई मुख्तलिफ रास्ते जो है पहाड़ की बुलंदी की तरफ जाते थे, कुछ ज्यादा लंबे थे, ज्यादा बल खा के ऊपर जाते थे, कुछ निस्बतन कम लंबे थे और थोड़े बल खाते हुए और सीधे ऊपर उठते हुए जाते थे, और एक रास्ता जो बिल्कुल सीधा ऊपर उठ रहा था, तो मेन रास्ते से कई एक रास्ते बल खाते हुए ऊपर जा रहे थे। तो सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ एंड सर्कल्ड राउंड द स्लोप, और बल खाते हुए सर्कल राउंड द स्लोप, उसकी ढलानी, अमूदी ढलान की तरफ वो बल खाते हुए ऊपर जा रहे थे। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंबिंग द माउंटेन, और वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की तरफ ऊपर उठते हुए या चढ़ते हुए दिखाई देते थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पे जाते थे, यानी कि जहां से शुरू होते थे वो भी एक जगह थी, जहां पहुंचते थे वो भी एक ही जगह थी, यानी कि उसके उस खेत के पास पहुंचते थे, वो जो खेत उसने पहाड़ की बुलंदी के ऊपर बनाया था। He answered, उसने जवाब दिया, then why do you take the steep one? Steep कहते हैं ढहलानी, अमूदी और ढहलानी। तो वो कहता है कि ये इतने ज्यादा रास्ते हैं अब्बाजान, लेकिन आप सबसे ज्यादा फिसलने वाला या सबसे ज्यादा ढहलवानी रास्ता क्यों अख्तियार कर रहे हैं? I asked, मैंने पूछा। I will explain later, बाप ने कहा कि मैं अभी तुम्हें बाद में बताता हूँ। ये दरवाजा बेटा मत, शोर नहीं होना चाहिए। I will explain later, मैं अभी बाद में बताता हूँ। He spoke with half breath, उसने जवाब दिया half breaths, जरा सांस फूले हुए अंदाज में, तो सांस थोड़ा सा सांस फूला हुआ था, आधा सांस खींचते हुए उसने जवाब दिया। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. तो he rested a minute, उसने एक लम्हे के लिए आराम किया, to catch his second wind, और फिर जो है सांस का, आप पहले आधा हिस्सा, आधा सांस लेते हुए बीच में जवाब दे दिया था ना, अब बाकी आधा सांस खींचा, और उसने कहा while I managed, और उस दौरान में I managed, तो राइटर कहता है कि जो बेटा है उसका, वो कहता है कि मैंने, क्योंकि बहुत ही ढलानी रास्ता था जिस पे हम खड़े थे पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए, तो मैंने ज़रा दाएं बाएं लगी हुई सैपलिंग, झाड़ियों को, वहाँ पे छोटे छोटे पौधों को, सैप छोटे पौधों को भी, झाड़ियों को भी कहा जाता है, तो मैंने उनको पकड़ के, छोटे पौधों को पकड़ के ज़रा अपने आप को सहारा दिया, वरना मैं मेरे पाँव फिसल सकते थे। आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ, मैंने कोशिश की कि मैं खड़ा रहूँ, बाय होल्डिंग अ लिटल सैपलिंग, छोटी झाड़ियों को या पौधों को पकड़ के, बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टीप ढहलान थी फॉर माई फीट, मेरे कदमों के लिए या पाँवों के लिए, टू होल्ड, कि मैं उनको जो है जमा के रख सकूं, अपने पाँव को कायम रख सकूं, अनलेस, जब तक के आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, ब्रेस का मतलब होता है वैसे रोकना, यानी कि प्रोटेक्ट करना, थामना, यानी कि संभालना, तो अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, जब तक के मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता, तहफ़ नहीं देता या अपने आप को वो सिक्योर नहीं करता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली, फिर मेरे वालिद ने आगे बढ़ना शुरू किया, अप द पाथ अगेन, दोबारा पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू किया, स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, और वो सहारा दे रहे थे या सहारा दे रहा था अपने खुद को एक केन, बांस की छड़ी के साथ, तो एक छड़ी की मदद से ज़रा सहारा देते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ वो दोनों बढ़ने लगे। आई फॉलोड एट हिज हील्स, हील एड़ियों को कहते हैं यहाँ पे आएगा, कदमों में, कदमों पे, तो आई फॉलोड, मैं भी उनके कदमों के पीछे पीछे, मैं भी आगे ऊपर पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था।
जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, तो चंद कदमों के फासले के ऊपर उनके सामने अ फॉक्स स्किरल, एक गुलहरी जो थी स्किरल गुलहरी, क्रॉस द पाथ एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, तो वो गुजरी और जो है एक हिकरी एक अखरोट के दरख्त की तरफ चली गई। सी डैड जेस ही शाउटेड, ये देखो जेस ही शाउटेड, मेरे बाप ने शाउट यानी के पुकार के कहा, जरा चिल्ला के कहा। यस आई डिड आई आंसर, जी मैंने देखा है, मैंने जवाब दिया। डैड ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ब्रिंग बैक याद दिलाना, डैड ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कोई बात याद दिलाती है, ये गुलहरी जो है वो बात याद दिला रही है या उसका गुजरना एक बात याद दिला रहा है। ही सैड, उसने कहा, ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स किरल, ब्रिंग बैक याद दिलाती है, ब्रिंग्स बैक याद दिलाना, द ओल्ड डेज मुझे पुराने दिन याद आते हैं, टू सी अ फॉक्स किरल के जब मैंने एक गुलहरी को देखा, ठीक, तो ये पुरानी बातें जो उसको खुशगवार यादें आती हैं, ये मैंने आपको बताया था, हैप्पी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, माजी की खुशगवार यादों को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, नॉस्टैल्जिया। तो बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये गुलहरी तो मुझे कुछ बातें याद दिला रही है, लेकिन अभी जो मैं तुम्हें चीज़ दिखाने लगा हूँ वो हमें कुछ और यादें भी हमारे जहन में लेके आएगी, वो ज़्यादा अहम बात मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ। माय क्यूरोसिटी तजस्सुस, क्यूरोसिटी तजस्सुस, माय क्यूरोसिटी वाज अराउज्ड, वो बहुत ज़्यादा अराउज हो गया, बढ़ गया मेरा तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ गया। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ द वाइल्ड ग्रास, मैंने सोचा कि शायद मेरे बाप ने न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कोई नई किस्म की जड़ी बूटी को तलाश किया है, वो मुझे दिखाना चाहते हैं। और एन अनफेमिलियर, फेमिलियर कहते हैं कि जानी पहचानी, अनफेमिलियर या यानी कि एक अनोखी नई ना मालूम हर्ब जड़ी बूटी, या कोई एक अनफेमिलियर जड़ी बूटी उन्हें कोई मिली है, ना मालूम किस्म की जड़ी बूटी, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई एक नई किस्म का दरख्त वहाँ पर उगा है, वो मुझे कोई एक आधी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उसको यकीन नहीं था कि एक पूरा खेत दिखाएंगे और अपने हाथों से बनाया हुआ, तैयार किया हुआ, जिसमें फसल उगी हुई है और फसल तैयार है और इंतहाई जो उम्दा फसल है, तो उसको ये यकीन नहीं था। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे याद था द टाइम ही फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि जब मेरे बाप ने जो है तलाश किया था एक कॉफ़ी ट्री, कॉफ़ी का दरख्त भी उगा हुआ था वहाँ पर, जैसे मुख्तलिफ पौधे भी उगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक कॉफ़ी का दरख्त था उन्हीं के जंगल में, उन्हीं के इलाके के बीच में जंगल में कॉफ़ी का दरख्त भी वहाँ पर बीच में उगा हुआ था, तो मेरे बाप ने मुझे दिखाया। इट इज़ एज फार एज आई नो द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, ये उस वक्त हमारे कंट्री में देहात में या इलाके में एक वाहिद दरख्त था कॉफ़ी का दरख्त, जो उसने मुझे दिखाया था उस वक्त, तो वो इकलौता दरख्त था। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ वो दो दफ़ा, मतलब पहाड़ पर चढ़ते हुए सिर्फ दो दफ़ा रुके, मतलब है कि एक बड़ी हिम्मत की बात है। तो ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट, वो पसीना साफ करने के लिए, फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वो जो है दूसरी स्टीप डहलवानी ब्लफ अमूदी चट्टान की तरफ चढ़ रहे थे, तो दूसरी दफ़ा दूसरी चट्टान को चढ़ते हुए वो सिर्फ दो दफ़ा रुके, अपनी आंखों से पसीना साफ किया। टूवर्ड्स द फिंगर्स ऑफ द पाइंस, और जो है वो उंगली नमा उन सनोबर के दरख्तों की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वो उंगलियों की तरह दिखाई दे रहे थे आसमान, वो पहाड़ की चोटी के ऊपर जो दरख्त है, यूँ लगता था कि जैसे वो उंगलियां हैं वो हाथ हैं, और वो बादलों से खेलते हुए लगते थे, वो उंगलियां जो हैं बादलों से खेलती हुई लगती थी। तो फिंगर्स ऑफ द पाइन सनोबर के दरख्त की तरफ चढ़ रहे थे। वी रीच द लिम्बलेस ट्रक, लिम्बलेस, लिम्ब तने को कहते हैं, लिम्बलेस जिसका मतलब है कि लिम्बलेस ट्रंक, बगैर टहनियों वाला तना, यानी कि ऐसा तना जिसके ऊपर टहनियाँ ना दिखाई दे रही हों, ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइंस, क्योंकि उसकी टहनियाँ बहुत ऊंची होती है ना, और एक लंबा तना होता है उसका, एक लंबा जो है उसका तना दिखाई देता है, और फिर आगे जाके जो है उसकी बहुत ऊपर जाके उसकी शाखें शुरू होती हैं, तना उसका बहुत लंबा होता है, और उस जगह पर जो है निचले हिस्से के ऊपर टहनियाँ नहीं होती, टूट गई होती हैं या ख़त्म हो गई होती हैं। वी रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स, हम उन तनों की तरफ पहुँचे, लिम्बलेस जिस पे टहनियाँ नहीं थी, ऑफ ट्रंक्स तने, लिम्बलेस जिस पे शाखें या टहनियाँ नहीं थी, ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन, वो उन लंबे ऊंचे स्ट्रेट सीधे बुलंदी पे उठते हुए पाइन स्नोबर के दरख्तों की तरफ, हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिनकी शाखें या टहनियाँ जो है ऊपर आसमान, नीले आसमान की तरफ जो है उठी हुई लगती थी, और लगता था कि जैसे आसमान की नीलगू हिस्से में वो जो है धसी हुई है, आसमान के अंदर जो है गई हुई दिखाई देती थी।
द वाइट क्लाउड वॉज नाउ गॉन, और वो सफेद बादल जो थे अब वो जा चुके थे, जब वो नीचे थे तो वो सफेद बादल वहां पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बादल जो आगे ट्रेवल करके थे। आई सॉ अ क्लियरिंग, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो ये देखें कि ये अब सस्पेंस वाली बात है कि वहां पे उसने वो जो तजस्सुस था कि क्या होगा वहां पे, क्या देखेंगे वहां पे, क्या चीज होगी, क्या मेरा बाप मुझे दिखाना चाह रहा है, तो अब वो खेत उस जगह पे पहुंच के जो दिखाना चाह रहा था। तो ये सस्पेंस वाली सिचुएशन आई है। तो यहाँ पे सवाल भी बनेगा कि व्हाट डिड द सन सी ऑन द माउंटेन, के वो जो देखना चाह रहा था या क्या देखा वहां पे पहुंच के उसने क्या देखा। तो ये बेटा जवाब भी है उसका सामने, और यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने खेत देखा, अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा खेत देखा, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एकर्स, वो 3/4 यानी कि जो है 3/4 था ऑफ एन एकड़, एक एकड़ की 3/4 हिस्सा था, पूरा एकड़ भी नहीं था, एक एकड़ का 3/4 हिस्सा था, इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, इस सहरा के इलाके के बीच में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, तो माउंटेन की उस बुलंदी के ऊपर, माउंटेन की उस बुलंदी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर, वहां पे एक एकड़ के करीब या एक एकड़ के 3/4 हिस्से के करीब उसने, मेरे बाप ने एक खेत बनाया हुआ था। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग, अब यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम एन उस जगह के करीब आ गए हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. तो उसने जो है push down the top wire, ऊपर लगी हुई, यानी कि वो जो खेत भी बनाया हुआ था, खेत की गिर बाड़ भी लगाई हुई थी, तारें लगाई हुई थी, और तार की ऊपर वाली तार, जैसे 2-3 तार लगाई हों, तो ऊपर वाली तार को ज़रा दबाया ताकि जो है वो फांद के अंदर जा सकते हों। तो push the top wire so he could cross the fence, फेंस कहते हैं बाड़, ताकि वो बाढ़ को क्रॉस करके अंदर जा सके। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू शो यू, मैं ये वो चीज़ है आई वॉन्टेड टू सी, जो मैं देखना चाहता था और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, ये किसने बनाया, आई आस्क, मैंने पूछा, तो बेटा हैरान हो गया, हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस इट, किसने इस जमीन को साफ किया, इस खेत को तैयार किया, एंड फेंस इट, और इसके गिर्द बाढ़ किसने लगाई है। तो बेटे को हैरत हो रही है कि मतलब है कि ये किसने ऐसा काम किया इतना मुश्किल और इतनी बुलंदी के ऊपर जाके। Fence it against what? और ये जो बाड़ लगाई हुई है, ये जो जंगला लगाया है, ये बाड़, ये तार, ये किसके खिलाफ लगाई हुई है, ये क्यों लगाई हुई है, किसको रोकने के लिए लगाई हुई है, उसको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जानवर भी आ जाते हैं। तो स्ट्रे कैटल्स, आवारा जानवरों के लिए, घूमते फिरते जानवरों के लिए, स्ट्रे कैटल, आवारा जानवरों के लिए, स्ट्रे आवारा, इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, के अगर वो जो है चरागाह से, मतलब है कि इधर उधर से जंगल में से घूमते हुए यहाँ पे आ जाएं, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मी कर्टली, ज़रा मुख्तसरन उसने मेरी बात का जवाब दिया, और अब बाकी बातों का जवाब भी दिया जो उसने 2-3 सवाल पूछे थे, कि आई क्लियर दिस लैंड, कि बाप उसने पूछा था ना किसने साफ किया और किसके खिलाफ ये बाड़ लगाई और किसने लगाई, तो पहले तो उसने बताया कि ये बाड़ मैंने लगाई है वो उसके लिए, जानवरों को रोकने के लिए, और अब वो बता रहा है कि आई क्लियर दिस लैंड, ये जगह मैंने साफ की है, एंड आई फेंस इट, और इसको मैंने बाड़ भी मैंने ही लगाई है, और बाड़ भी जो है मैंने लगाई है और साफ भी मैंने इसको किया, खेत मैंने तैयार किया। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस बुलंदी के ऊपर क्यों चढ़ते रहे हैं, टॉप टू डू दिस, ये सब काम करने के लिए, आई आस, मैंने पूछा, बेटे ने बाप से पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड, देखो इस जरखेज जमीन को, वी हैव इन द वैली, जो हम इस वादी में रखते हैं, देखो ये कितनी जरखेज जमीन है, फर्टाइल, जरखेज। ही लाफ्ड, वो थोड़ा सा मुस्कराया या उसने कहका लगाया, एज ही रीच डाउन, और वो नीचे झुका, रीच डाउन, नीचे गया, नीचे झुका, एंड पिक अप अ डबल हैंडफुल ऑफ द लीफ रॉट लूम, और फिर उसने पिक अप, और फिर उसने उठाई अ डबल हैंडफुल, दोनों हाथों में, अपने दोनों हाथों में मट्टी को, जैसे दोनों हाथों से मट्टी को हाथ में पकड़ लिया जाए, ऑफ लीफ रॉट लूम, मट्टी पकड़ी, लीफ रॉट जिसमें पत्ते भी मिक्स हुए हुए थे, पत्तों से अटी हुई, ठीक है, लीफ रॉट जिसमें पत्ते अटे हुए थे, मिक्स हुए हुए थे, लूम मतलब है कि मट्टी, तो पत्ते जो हैं वो जरखेजी के हवाले से होते हैं ना, जरखेजी के हवाले से, दिस इज द, दिस इज द लैंड सन, ये वो जो जगह, ये वो जगह है बेटा, दिस इज इट, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड्स, यही वो जगह है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की ज़मीन को आजमाया है, उसकी जरखेजी को आजमाया है वहाँ पे खेत लगा के, लेकिन ये सबसे शानदार जगह है। देन ही स्मेल्ड,
फिर उसने उस मट्टी को सूंघा, ऑफ द डर्ट, डर्ट मट्टी को सूंघा, ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इन टू हिज नॉस्ट्रिल्स, उसने विफ सूंघता गया एंड विफ्ड और फिर सूंघा द स्मेल उसकी खुशबू को, ऑफ द वाइल्ड डर्ट उस जंगल की डर्ट मट्टी को सूंघा, इन टू हिज नॉस्ट्रिल्स अपने नाक में अपने नथनों में, तो उसको उसकी खुशबू अच्छी लग रही थी। और वाकई जो है जो ताज़ा मट्टी होती है उसकी एक खुशबू होती है बाकायदा तौर पे, और बड़ी भीनी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, ताज़ा हवा की तरह, ही सेड एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, और फिर उसने उस मट्टी को अपनी दोनों उंगलियों में से, हाथों की उंगलियों में से नीचे सरकने दिया, नीचे गिरने दिया। बिटवीन हिज फिंगर इट इज़ द प्लेजेंट टू टच, इस मट्टी को छूना भी जो है बड़ी खुशी की बात है, बड़े मज़े की बात है। ही एडिड, उसने बात में इजाफा करते हुए कहा कि इस मट्टी को छूना भी मज़े की बात है। तो अब बेटा उससे जो है वो पूछता है कि ये आपने ऐसा सब कुछ कैसे किया और क्यों किया। हम समझ आ रही है बेटा कहाँ तक पहुँचे हैं टेक्स्ट में? एक पेज हो गए, चलें यहाँ तक स्टॉप करें।